घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, झड़ते बालों के ऊपर। जी हाँ, झड़ते बाल रोककर गंजा होने से बचाएंगे। कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे ही उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे झड़ते बाल को रोका जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आज के समय में बालों की ग्रोथ रुकना, हेयर फॉल और डैंड्रफ आम प्रॉब्लम हो चुकी है। लोग इन्हें दूर करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन उपयोगों को करने में खर्च भी काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आप बालों के लिए रोज़ाना कुछ घरेलू उपाय करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इन उपायों को करने में खर्च केवल 5 रुपये से कम आएगा। हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय। 2 से 3 आलू को पीसकर सर के बालों और स्कल्प पर लगाएं। इसके 1 घंटे बाद बाल धो लें। इससे ड्राइनेस कम होगी और बाल हेल्दी बनेंगे। 2 चम्मच प्याज के रस से में 1 चम्मच खट्टा दही और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर उसे मसाज करें। इसके 30 मिनट बाद बाल धो लें। इससे भी बाल मजबूत और चमकदार बनेंगे। 1 चम्मच एलोवेरा जेल को रोज बालों और स्कल्प पर लगाएं। 1 घंटे बाद धो लें। इससे डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या दूर होगी। रोज 2 नींबू के रस से बाल और स्कल्प का पर मसाज करें। इससे डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या कंट्रोल होगी। 2 चम्मच मेथी दाने को रात में भिगोकर रख दें। सुबह इन्हें पीसकर बालों पर लगाएं। इससे बाल काले, घने और मुलायम बनेंगे। रोज 2 चम्मच गाजर का रस बालों और स्कल्प पर लगाएं। इससे बाल चमकदार होने, सेहत इनका और सेहतमंद होंगे और इसका झड़ना भी बंद हो जाएगा। 2 चम्मच लहसुन का रस बालों की जड़ों पर लगाएं। इसके इसके घंटों बाद इसे आधे घंटे बाद या आधे से 1 घंटे बाद इसे डैंड्रफ और बाल आधे और 1 घंटे बाद धो लें। इससे आपके जो डैंड्रफ होंगे और बाल के झड़ने की समस्या होगी, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। 2 चम्मच प्याज के रस में 1 अंडे की सफ़ेदी मिक्स करके स्कल्प पर मसाज करें। इसके 1 घंटे बाद बाल धो लें। बाल झड़ना बंद होकर ग्रोथ बढ़ेगी। 2 चम्मच खीरे का रस लें और स्कल्प पर लगाएं। इससे बाल चमकदार होते रहेंगे। रोज 2 चम्मच हरा धनिया का पेस्ट बाल की जड़ों पर लगाएं। इससे बाल लंबे और घने और काले भी होंगे। 1 चम्मच चुकंदर और तेल और जैतून का तेल लेकर आप मिक्स कर लें। इसे स्कल्प पर लगाएं। इससे बाल काले, घने और मुलायम और चमकदार होंगे। 1 चम्मच कड़ी पत्ते के रस में 1 चम्मच दही मिक्स कर रोज बालों के स्कल्प पर लगाएं। इससे बाल काले, घने और मजबूत होंगे। 1-1 चम्मच आलू का रस, टमाटर और शहद को मिलाकर स्कल्प पर लगाकर मसाज करें। इससे बाल झड़ना और सफ़ेद होने बंद हो जाएंगे। 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल को गुनगुना कर बालों पर मसाज करें। इसके बाद टॉवल को हल्का गर्म करके बालों पर बांध लें। इसके 1 घंटे बाद नहा लें। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आप तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में बाल के झड़ने से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना ना भूलें। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।